गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। नाइन्थ क्लास की हिंदी के अंदर बेटा काफ़ी कुछ हमारे कंप्लीट हो चुका है। आज मैं एक आपको बड़ा प्यारा सा लेसन पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। लास्ट लेसन है पदभाग का, जिसके अंदर मैंने इस लेसन को इसलिए चुना क्योंकि अभी थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हमारे समाज के अंदर हमें देखने को मिल रही है कि किस तरह से जो बच्चे हैं उन बच्चों का बचपन उनसे छीना जा रहे हैं और किस तरह से उनसे मजदूरी करवाई जा रही है और उनको मजदूरी कराने के बावजूद भी उनको पूरा उसका फल नहीं मिल रहा है, उनका उनसे बचपन छीना जा रहा है। तो ये कविता जिसके लेखक राजेश जोशी हैं, जिन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से बात को बड़ी सरलता से व्यक्त किया है और वो उनको ताज्जुब होता है कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो काम पर जा रहे हैं और लोग उसके बारे में क्या कहते हैं कि साधारण सी बात है, इस बात को बिल्कुल साधारण रूप में लेते हैं। तो ये चीज़ क्या है, साधारण नहीं है। जब बच्चे ही काम पर जा रहे हैं, बच्चे ही जब कार्य कर रहे हैं, तो इस दुनिया के अंदर फिर रखा ही क्या है कि जब बच्चों का बचपन ही उनसे छीन लिया जाए, उनको बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाए, तो फिर इस संसार में कुछ देखने लायक, कुछ सुनने लायक, कुछ रहा ही नहीं है। बड़ी प्यारी कविता है, तो पढ़ते हैं हम उस कविता को। उस कविता को पढ़ने से पहले जो इस लेसन के जो लेखक हैं, जिसका नाम है राजेश जोशी, उनके जीवन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने किस किस तरह की क्या क्या कार्य किए हैं, कौन सी कविताएं लिखी हैं, उनके लेख कौन कौन से हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद में क्या स्टार्ट करी, पत्रकारिता शुरू करी थी और कुछ सालों तक उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, लेख लिखे हैं और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं, नाट्य रूपांतर नाट्य इत्यादि भी उन्होंने लिखे हैं और उसके अंदर रूपांतर भी किया है। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी उन्होंने किया है। इसके अलावा उन्होंने कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं का अनुवाद प्रकाशित हुआ है। राजेश जोशी के प्रमुख जो काव्य हैं वह है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यानी बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले हैं वैसे तो, लेकिन कुछ कुछ पुरस्कारों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिशाप वाली होती है। वे जीवन में संकट में होने वाली गहरी आस्था को उभारती है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली पानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। यानी कि जो भी उनकी कविताएं हैं वह कविता उनके आपसी आसपास में जो परिवेश है, जो परिवेश में होने वाली जो घटनाएं हैं उससे संबंधित हैं। उनके काव्य लोग में आत्मीयता और लयात्मकता दोनों हैं तथा जो मनुष्य को बचाने का एक निरंतर प्रयास कर रही है, संघर्ष कर रही है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए भी बेचैन है। तो इस कविता में क्या बताया गया है वो भी देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लेने जाने की पीड़ा व्यक्त की गई है। कवि ने सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से क्या है, वंचित रहे हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। बच्चे काम पर जा रहे हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न है और कवि जो है, कवि का मन जो है वह इतना विचलित क्यों है। पढ़े, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे, सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि सर्दी का मौसम है, चारों तरफ कोहरा है, उस कोहरे के अंदर हमें बाहर निकलते हुए भी डर लगता है, हमें ठंड लगती है, हमें सर्दी का एहसास होता है और इतनी ठंड के अंदर कोहरे बड़ी सड़क के अंदर जहाँ पर सामने दृश्य भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है, अंधकार छाया हुआ है और इतने ठंडे मौसम के अंदर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वह कहाँ जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये।
अर्थात हमारे जीवन की सबसे भयानक बात है कि हम बड़ों के होते हुए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन छोटे छोटे बच्चों से हम क्या करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं, उनसे मजदूरी करा रहे हैं। और भयानक ऐसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह, अर्थात राजेश जोशी वर्णन कर रहे हैं कि इसको क्या माननी चाहिए, एक बहुत बड़ी दुर्घटना माननी चाहिए, बहुत बड़ी घटना माननी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं, एक साधारण सी घटना है, बच्चे काम कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी करना कोई गलत बात थोड़े, मेहनती तो कर रहे हैं। तो ये क्या है, कभी इसमें वर्णन करता हुआ कह रहा है कि इस बात को हमें क्या करना चाहिए, बड़ी गंभीर मानना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश के जो बच्चे हैं जिनको पढ़ना चाहिए, जिनको अध्ययन करना चाहिए, अपने भविष्य के अंदर जो उन्होंने सपने देखे हैं उन सपनों को साकार करने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर और क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सबसे भयानक बात है कि इसको क्या लिखना चाहिए, विवरण की तरह लिखना चाहिए कि लोगों को मन के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसा क्या है, ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है कि हमारे होते हुए, हम बड़ों के होते हुए बच्चे जो है मजदूरी कर रहे हैं और हम उसको एक साधारण सी घटना मानकर क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बेटा जो हमारे देश के अंदर जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अगर वो उनको कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उनके पेरेंट्स को सजा मिलती है और जो काम करवाने वाले हैं उनको भी सजा का प्रावधान है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, दिखता है क्या? आज भी आप बड़े बड़े कारखानों में जाओ, कहीं भी जाइए, छोटे छोटे बच्चे आपको काम करते हुए नजर आएंगे। आप मार्केट जाइए, मार्केट में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो आपको और कुछ भी नहीं तो फुटपाथ पे बैठे हुए सामान बेचते हुए नजर आएंगे। तो हमारी सरकार जो है इसके प्रति जागरूक नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े जो संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, वहां पर भी छोटे छोटे बच्चे कार्य करते हुए हमें मिल जाएंगे। आप करेक्टिव में जाइए, वहां पर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो चाय लेकर आ रहे हैं, चाय के होटल में काम करते हैं, वहां पर जो है गवर्नमेंट का है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिस में भी छोटे छोटे बच्चे कार्य करते हुए मिल रहे हैं। तो ये सरकार की तरफ से ही क्या है, बहुत बड़ी कमी है, ये हम सरकार की कमी मानेंगे इसको। चलिए छोड़िए, आगे पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे इसमें इसी चीज़ के बारे में बताया गया है कि ऐसा क्या हो गया है कि बच्चे क्या है काम पर जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में खो गई है सारी गेंदे, क्या दीपकों ने खा लिए हैं सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ठह गई है इमारतें सारे मदरसों। अब उसके बारे में कवि इसमें वर्णन करता हुआ कह रहा है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या हो गया है ऐसा, क्या ऐसे मजबूरी हो गई है कि छोटे बच्चे हैं जो वो काम पर जा रहे हैं, कि क्या अंतरिक्ष में खो गई है गेंदे, अर्थात क्या बच्चों के जो खेल खिलौने हैं वह कहाँ खो गए हैं, अंतरिक्ष में जाने के बाद में वो खेल खिलौने वापस लौट कर नहीं आ सकते। तो क्या ऐसा हो गया है कि जो बच्चों के खिलौने हैं वह अंतरिक्ष में खो गए हैं, क्या दीमकों ने खा ली उनकी किताबें, दीमक जब लग जाती है तो एक बार उस चीज़ को नष्ट कर देती है, कि क्या ऐसा हो गया है कि जो किताबें हैं उन किताबों को किसने नष्ट कर दिया है, दीमक ने नष्ट कर दिया है, क्या ऐसा हो गया है कि बच्चों के पास में किताबें नहीं हैं जिसके कारण से कि वो पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, कि क्या ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ के नीचे जो बच्चों के खिलौने हैं वह क्या हो गए हैं, दब गए हैं, समाप्त हो गए हैं, जिसके कारण से कि अब बच्चों के पास में ना तो पढ़ने के लिए कुछ है ना खेलने के लिए कुछ है, तो अब क्या है वह काम कर रहे हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, कि क्या कोई भूकंप आया है, उस भूकंप के आने के कारण जो बड़े बड़े विद्यालय हैं जहाँ पर कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, अध्ययन कराया जाता है, मदरसे मोमेंट्स के भी हो जहाँ पे बच्चों के अध्ययन करवाने के इससे संबंधित है, तो यहाँ पर मदरसों का मतलब यही है, विद्यालय मान लीजिए, शिक्षा केंद्र मान लीजिए, कि क्या ऐसा हो गया है कि कोई भूकंप आया हो और सारे विद्यालय सारे जो शिक्षा केंद्र है वह क्या हो गए हैं उस भूकंप में दबकर समाप्त हो गए हैं, कि जिसके कारण से जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको काम में जाना पड़ रहा है, उनको कार्य करना पड़ रहा है, कि ऐसा क्या हो गया जिसके कारण से छोटे छोटे बच्चे जो है वह क्या कर रहे हैं,
हैं, कार्य कर रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए बड़े ही शर्म की बात है बेटा, और हमारे लिए कलंक है ये कि हम बच्चों से मजदूरी कराते हैं। तो प्रॉमिस कीजिए कि कभी भी आपके सामने ऐसा कुछ आप घटित होते हुए देखें तो कोशिश करें कि उस बच्चे को मजदूरी ना करनी पड़े। बेटा वैसे बच्चों की मजबूरी होती है तभी वह कार्य करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि वो किसी भी तरह से छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनकी आयु बहुत कम है, 5 से 6 साल 8 साल 10 साल, तो वह मजदूरी ना करें। उनकी जितनी हेल्प आप कर सकते हैं आप उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए? अब कवि से वर्णन करता हुआ क्या कह रहा है कि क्या ऐसा हुआ है कि सारे जो मैदान है, खेलने के मैदान बच्चों के, क्योंकि बच्चों का तो काम क्या है, खेलना कूदना खाना पीना मस्ती में रहना, उनका तो काम यही है ना। लेकिन क्या ऐसा हो गया है कि सारे मैदान, सारे बाग बगीचे और सारे जो घर के अंदर जो आंगन है जहाँ पर कि बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, क्या वो आंगन समाप्त हो गए? ऐसा क्या हो गया है कि बच्चों को इन सब चीज़ों से वंचित कर कर और उनको कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है? तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब उसके बाद में कवि बोलता है कि जब ऐसा कुछ हो गया है कि हमारे रहते हुए, हमारे बड़ों के रहते हुए हमारे जो बच्चे हैं वे काम पे जा रहे हैं, तो फिर इस संसार का, इस दुनिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिन बच्चों को हमने खुशियाँ देनी चाहिए, उनको खेलने देना चाहिए, उनके खेलने खाने की उम्र है, उस खेलने खाने की उम्र में हम उनसे काम करवा रहे हैं, तो ऐसी दुनिया को देखने से क्या फ़ायदा? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता, भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि यह सारी चीज़ें क्या है, हस्त मालूम। यह पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। उसके बाद में कवि इस लास्ट में वर्णन करता हुआ कहता है कि ऐसा जब हो जाए है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो इस दुनिया में अब बचा ही क्या है, कि कुछ बचा ही नहीं है, कि कितना भयानक होता है अगर ऐसा भयानक है, लेकिन उससे भी जाता है कि सारी चीज़ हस्तमालूम की, ये सारी चीज़ें यथावत होती रहती है, हस्तमालूम यानी कि यथावत ये सारी चीज़ें होती रहती है और हम उसका विरोध नहीं करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे कार्य कर रहे हैं, उनके साथ उनको मजदूरी करने के लिए विवश किया जाता है, वे बाल मजदूरी कर रहे हैं और हम क्या करते हैं, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं, उसके विरोध में आवाज़ नहीं उठाते हैं। बड़े बड़े कारखानों में जाके देखिए, छोटे छोटे बच्चे आपको काम करते हुए नजर आएंगे, है ना। तो यहाँ पर कवि इसके लिए कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए उनके विरोध के अंदर, बच्चों के पक्ष में हमें क्या करनी चाहिए, उनकी आवाज़ उठानी चाहिए और जो व्यक्ति उनसे मजदूरी कराते हैं उनका भी हमें क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि बच्चों से काम कराना कानूनी जुर्म तो है ही है, लेकिन मान भी हमारा मन कैसे मान जाता है इतने छोटे छोटे बच्चों से काम करवाने का। हमें तो उनको उनकी जो खेलने खाने पीने की जो उम्र है उस उम्र में हम उनसे मजदूरी करा रहे हैं, तो हम मानव होना ही हमारे लिए क्या है, बड़े शर्म की बात है। तो पर दुनिया के जो हजारों बच्चे हैं वो सड़कों से गुजरते हुए उसको कवि को नज़र आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे अभी भी क्या है, काम पर जा रहे हैं। उनकी मजबूरी भी है कि उनके माता पिता की भी मजबूरी है कि बच्चों को पढ़ा नहीं पाते और उनको मजबूर होकर उनको काम पर भेजना पड़ता है। तो बड़ा ही प्यारा लेसन था बेटा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस लेसन को आई होप आपने बड़ा अच्छी तरह से पढ़ा होगा और कोशिश करें कि आपके आसपास में किसी बच्चे का शोषण ना हो। अगर कुछ ऐसा करता हुआ या ऐसा आप करते हुए किसी को देखते हैं तो प्लीज़ उसकी जहाँ तक आप हेल्प कर सकते हैं उसकी हेल्प करिए। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं हम। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप करने हैं, फिर भी समझ में ना आए तो मैं आपको समझा दूँगी। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।